चाय बना रहे हैं क्या वाली? हाँ चाय बना रहे हैं। अच्छा, चाय पी लें कि शुरू करेंगे? चाय पीते भी रहे हो? शुरू होते तो ज़्यादा याद होता है, तभी इंजॉय करती तो चीज़ ज़्यादा याद होती है, फोर्स से कम याद होती है। यहाँ से खाने समय कोई कोई लेके आ रहा है चाय तो छूटा था। हाँ होगी चाय, वो लेंगे। हाँ हम ले लेंगे चाय, हमें तो एकदम चाहिए। हमें तो अगर होगी तो शादी नहीं बोलने में कुछ नहीं। हाँ नहीं, इस किताब में तो मजा आ रहा था। हमको तर्जा भी किया ये किताब। हाँ पूरा पढ़ाओ? हाँ जितना पढ़ सके, मतलब कुछ अल्फाज तुम्हारी मतलब मकसद निकाला। कर सकते हैं लोग आ गए? तो पिछली बार जो हमारा सबक हुआ था, आप थे ना, तो एक किस्म का मुकदमा था और इसकी अहमियत के तहारत क्या है और तहारत की क्यों अहमियत है और क्यों हमने तहारत करना शुरू किया और तहारत का मफहूम क्या। जब रात मजलिस में हमने सिर्फ दोहराया था, उसको मजीद दोहराने की जरूरत नहीं ज़्यादा, कि इतना बड़ा मफहूम है तहारत का, इंसान के जिस्म की नजासत से लिप्त और बाहर और काफिर और मुशरिक और कुत्ता और सुअर और खुद इंसान का खून और पेशाब और गलाजत और यह वो से लेकर और मरते दम तक मुर्दा और गुस्ले मसे मैयत, कितना है लंबा चौड़ा जो इंसान की ज़िंदगी में क्या तकरीबन हर एक दो घंटे पर आदमी को उससे दो चार होना पड़ता है। उसकी पूरी ज़िंदगी जो घूम रही है, एक एक सांस वो तहारत की ज़िंदगी, जूता चप्पल लेदर जबिया है नहीं, कोट पहने आप लेदर का यहाँ खरीदा है, जरा भीगा लग गया, कितनी मुश्किल है ना। तो चप्पल कुछ भी लिए आपने, उसको लेदर तो कल ले लिया जब, तो बिल्कुल आप उसमें घिरे हुए हैं, इसमें तहारत के अहकाम में घिरे हुए हैं हर वक्त 24 घंटा। पहले तहारत कर उसमें तो बहुत छोटी सी चीज़ है, इसमें क्या है तहारत? मैंने पाक करना, पाक कर पानी से पाक कर दिया, मैंने पता नहीं तहारत ही सब कुछ है और कुछ नहीं है। सब कुछ क्या है? तहारत। इसलिए तहारत को शुरू किया गया। तहारत के माने वैसे तो पाकीज़गी सफाई के होते हैं, नज़ाफ़त के होते हैं, लेकिन हमारे यहाँ मफ़हूम अलग है। तहारत के हमारे का डेफिनेशन ये है कि इस्तेमाल पानी का इस्तेमाल करना, तहूर यानी जो पाक करने वाली चीज़ें, नीयत के साथ इस्तेमाल करना, बगैर नीयत। तो तहारत करने में दो चीज़ें होती हैं, एक बगैर नीयत के पाक होती है, एक नीयत से पाक होती है। एक ये है कि जब तक उसमें नियत को शामिल नहीं करेंगे उस वक्त तक पाक होने का सवाल नहीं पैदा होता, तो छोटी छोटी बातें चल, और एक में नियत शामिल हो चाहे ना हो पाक हो जाएगी वो चीज़। आपके मिसाल के तौर पर कपड़ा नजीस था, हाथ में आप लिए थे या वो पहन के आप नहाना चाहते थे, कपड़ा आपका नजीस था, आप गए और आपके एक कुर का हौज है या आप दरिया में चले गए, स्विमिंग पूल में चले गए, आपने नहाया और निकल आए, आपको पता ही नहीं कि उस कपड़े में नजासत पाक करना था कि नहीं, याद ही नहीं रहा कुछ नहीं, क्योंकि चूंकि वो कपड़ा अंदर चला गया पानी में, और जब आप उस पानी के बाहर आ गए तो खुद ब खुद आपको चीज पाक हो गई। नियत करने की जरूरत नहीं थी, आपको याद भी नहीं था मैं जा सकती ना, उसमें चला गया तो पाक गया, समझ गया, कोई नियत की जरूरत नहीं हुई, क्योंकि वो नजासत दूर हो गई, वो चीज़ पाक हो गई। और कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि मशरूतुन भी नियत है, यानी नियत के साथ ही पाक होंगी, अगर नियत का दखल नहीं है तो वो पाक नहीं होगी। मसलन जैसे गुस्ल है या वजू है, अब वजू अगर करना है या उसे गुस्ल करना है, तो आदमी दिन भर सुबह से शाम तक दरिया में गोता लगाता रहे, समंदर में स्विमिंग पूल में नहाता रहे दिन भर, पाक मस्जिद में आने काबिल नहीं होगा, पाक नहीं हो सकता। जब तक नियत करके उस तरीके से गुस्ल ना करें जैसे कि शरीयत ने कहा है ना, पूरा यानी सर और गर्दन धोना, एक शरीयत को एक एक लफ्ज को पकड़ना चाहिए, इसलिए कोई लावालियत में भी एक लफ्ज फेखा में नहीं लिखाया था, यानी केयरलेस होकर नहीं लिखाया था, एक लफ्ज़ कहाँ किसको रखना है उसमें बड़ी केयर होती है,
यहाँ तक कि जब बहस होती है तहारत की, जो डेफिनेशन हमारे बड़े बड़े उलमा ने बयान किए, उलमा और शुहदा जो थे यानी, उन्होंने भी आखिर में जब एतराजात हुए खुद एतराज किया, तो उसके बाद यही कहा कि भाई चूंकि इससे अच्छी कोई तारीफ नहीं हो सकती, इसलिए इन सब एतराज के बावजूद भी ये बेहतरीन डिफिनेशन है, तब हम इसको लिख रहे हैं। इससे अच्छी मुमकिन नहीं कि हम सब समझ नहीं के अंदाज, तो इसलिए हर चीज़ तो आना मुश्किल होती है। तो इसलिए अब उसमें नियत की शर्त है, अब तो उसमें लफ्ज़ देखना चाहिए कि उस शरीयत में क्या लफ्ज़ रखा है। एक एक लफ्ज़ अगर आप गौर से देखें तो खुद ब खुद बात समझ में आ जाती है। अब कितने लोगों की आदत यह होती है, वो समझते हैं कि अब उनको पढ़ाया गया ये कि लोटे से डालो पानी, तो देखा कि वो लोटे ही से गुस्ल करते हैं, अगर लोटा है तो गुस्ल करेंगे, या नल के नीचे भी जाते हैं तो लोटा लेके जाते हुए देखा मैंने, लोटे कोई सामान लेके गए, और भाई ये तो नहीं कि लोटा चाहे आप पाइप हाथ में ले लें क्या गुस्ल के लिए, ये तरीका है तो बार बार बताएंगे, बार बार बता होता है इसलिए, तो आदमी अगर गुस्ल करना चाहते हैं तो वह ख़त्म। सर और गर्दन, यानी पहले गर्दन के ऊपर पाइप हाथ में ले लिया, तो आजकल होता है शावर, नियत किया गुस्ल करता हूँ मैं और बतान अल्लाह, वाजिब ख़त्म कर दिया, उसने मतलब और आराम से बैठे बैठे खड़े होने की जरूरत, ये धो लिया इतना हिस्सा, ठीक है पानी या शावर के नीचे पूरा बैठ के खड़े हो कैसे धो रहे हैं, जहाँ जहाँ हाथ खाली पहुँचा रहे तो काफ़ी हाथ से ही पानी, और उसके बाद फौरन दाहिने हिस्से पर, अब कोई ज़रूरी नहीं कि उसी में आप हिल गए तो सर पे पानी पड़ गया, कोई हरज नहीं, शावर के नीचे खड़े हैं तो सर पे पानी पड़ रहा है कोई हरज नहीं, नियत तो हमारी यहाँ पानी गिर, यहाँ जो पानी गिर रहा है उससे हाथ अगर फेर रहा है नियत यहाँ की पानी पड़ रहा है, कितना तेज कोई पानी आ रहा है पूरे ऊपर पड़ा, हमारी नियत है कि अब जो हम काम धो रहे हैं अपने अपने को वो दाहिने हिस्से से, नल से कोई मतलब है नियत से मतलब है, अगर हाथ से बता इस तरीके से बाएं से, ठीक है बेहतर है कि आदमी उसको गिराए पानी को या हाथ में लिए थे पूरा धो दिया, तो अब उसमें नियत की शर्त है, आप नहा के आ गए पांच मरतबा नहा लिए दिन में याद ही नहीं रहा कि गुस्ल करना है, बात नहीं हो सकते जब तक कि नियत नहीं करेंगे, और नियत भी शर्त में तो हो चुका था कि कुर्बत अल्लाह की नियत हो, नमाज के लिए नहीं, नमाज का वक्त है तो नमाज की नियत होगी, नमाज का वक्त नहीं है तो नमाज की नियत नहीं होगी, सिर्फ कुर्बत, नमाज का वक्त है तब भी कुर्बत की नियत आम है, इसको हमारे आम कहते हैं, कुर्बत की नियत आदमी कर ले। तो उसके बाद इसी तरीके से गुस्ल कर, गुस्ल काफ़ी होता है वजू के लिए, इसलिए भी जो हमारे यहाँ बड़ी चीज़ होती है अक्सर बड़ी चीज़ के ताबे छोटी चीज़ को बहुत आ जाती है, जब आपने गुस्ल कर लिया तो अब वजू खुद, चूँकि वह हदस अकबर है और यह हदस असगर है, हदस अकबर उसे कहते हैं कि जिसके बाद गुस्ल करने की जरूरत वाजिब हो जाए, हदस असगर उसे कहते हैं कि जिसकी बिना के ऊपर वजू करना जरूरी है, हदस असगर जो है जिसकी वजह से वजू टूट जाता है, हदस अकबर वो है जिसकी वजह से गुस्ल टूट जाता है, जब वो अकबर है जब आपने खुद गुस्ल कर लिया तो वजू खुद बखुद उसमें शामिल हो गया, इसलिए आपने हदस अकबर को दूर कर लिया तो हदस असगर खुद बखुद आ गया, अब जो चीज़ों के बाद अगर वजू तोड़ने वाली काम अंजाम दे दिया तो वजू टूट जाएगा, गुस्ल टूटेगा काफ़ी, अब उसको भी आगे भी बात रखते हैं गुस्ल कैसे वाजिब होता है क्या, तो वो याद से मसल वजू में काफ़ी यहाँ से यहाँ तक धोए आदमी, तो वो धोना है कैसे भी चाहे वजू में भी यही बात है कि जब तक अभी नमाज का वक्त आएगा तो वजू कैसे करेंगे, जब नमाज से वक्त आ जाएगा तो वजू वाजिब होगा, अभी आप वजू करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे आप, कुर्बत की नियत हर काम कुर्बत अल्लाह, अब कुर्बत अल्लाह का मतलब ये भी नहीं कि हर काम को आप कुर्बत अल्लाह का मतलब ये भी नहीं है कि बस एक आज़ादी मिल गई है कि बस कुर्बत अल्लाह का तो सब चुपचाप हो जाएगा, ऐसा नहीं है, एक बात ये भी वाजे रहे कुर्बत अल्लाह जो काम है कुर्बत अल्लाह कर लीजिए आप, अभी कुर्बत अल्लाह कर लीजिए क्या मतलब कुर्बत अल्लाह को, वो थोड़ी है कि जहाँ कुछ ना मिले वहाँ कुर्बत अल्लाह कर लीजिए, ब्लैंक चेक है, ब्लैंक चेक नहीं है, हाँ उसका भी एक मकसद है, मकसद ये कुर्बत अल्लाह मतलब कि ये क्या मतलब कि कुर्बत अल्लाह कर लो बस, हर काम तो अल्लाह की कुर्बत, हर काम अल्लाह की कुर्बत के लिए नहीं कि हर काम आप करेंगे तो अल्लाह की कुर्बत के लिए होगा, जैसे अल्लाह ने कहा है वैसे करेंगे तो खुद ब खुद कुर्बत पैदा होगी, अगर वैसे आप नहीं करेंगे तो कुर्बत नहीं पैदा होगी, तो फिर कैसे आप कुर्बत अल्लाह कर सकते हैं, जैसे अल्लाह ने कहा है उसके कानून को जब अंजाम देंगे जब कानून पर अमल करेंगे तो अल्लाह से खुद करीब होंगे, तो कानून होना चाहिए थोड़ी कुर्बत अल्लाह के कानून, जब कोई कानून नहीं तो कुर्बत नहीं है, समझे उसमें एक नुकता पोशीदा है, क्या मतलब अल्लाह ने वजू इसलिए रखा है कि उसको वो नजासत हदस अकबर और हदस असगर जो नजासत सरजद हुई है, यहाँ तक ये है कि अगर वजू ना कर सके तो पेशाब वगैरह करने की बात करो ना कि पानी डाले कुछ निकल गया ना, जो उससे
नजासत वो अल्लाह को पसंद है, क्या मतलब वो नजासत नहीं पसंद है और ये तहारत पसंद है। जैसे गुस्ल है, गुस्ल का वक्त नहीं आया तो कुर्बतन अल्लाह जो गुस्ल करेंगे, मसलन अगर जो मैंने मिसाल दी थी तो बहुत दौर आ चुका कि सुबह अगर 8 बजे के सुबह की नमाज पढ़ चुके और इस टाइम आपको नहाने अभी वाजिब है, जोहर की नमाज का वक्त नहीं आया है, पहुंच चुका है जोहर की नमाज का वक्त नहीं आया है, अब जो आप करेंगे तो कुर्बतन अल्लाह का मतलब ये नहीं है कि आपको छूट दे दी गई है, छूट नहीं, मतलब ये कि चूंकि नजासत अल्लाह को पसंद नहीं है, नजासत कहती है उसे उस चीज को जो अल्लाह से दूर करे, नजासत और रिज्स की डिफिनेशन ही ये है कि जो काम अल्लाह से दूर करे, तो चूंकि अल्लाह को ये चीज पसंद नहीं है और अल्लाह को नमाज के लिए तो वाजिब है, लेकिन पसंद अल्लाह को यही है कि हम बगैर गुस्ल के न घूमे फिर नहीं सब न करें ना वाले, इसलिए मैं गुस्ल कर लेता हूँ कि अल्लाह को वो पसंद है। कुर्बत का मतलब पसंद, अल्लाह की पसंद का काम करना, अल्लाह की पसंद का काम करना तहारत है और अल्लाह की नापसंद का काम करना नजासत है। इसीलिए जो पेशाब पेखाना जिस थोड़ी कुरान तो कहते हैं इन्नमल खमरो वल मैसरो वल अज़लाम रिज्सुम मिन अमल शैतान, जहाँ कहा उसने शराब नजीस है, फौरन का शराब भी नजीस है, ये तो आपके समझ में आता है कि शराब लिक्विड है, पतली है, पानी की तरह है, उसके बाद फौरन का जुआ भी नजीस है, जुए को इंग्लिश में क्या कहते हैं, गैम्बलिंग, पत्ता लगा के ताश खेल रहे हैं, पैसा लगा के ताश, वैसे पैसे लगा के खेल रहे हैं, रेस खेल रहे हैं, पैसा लगा के खेल रहे हैं, और दूसरा काम पैसे से खेल रहे हैं, शतरंज खेल रहे हैं, चेस कहते हैं ना उसे, पैसा लगा के चेस खेल रहे हैं, ये क्या हो गया? अगर नजासत का मतलब वही होता जो गीली ऐसी होती है तो उसको थोड़ी कहता, शराब के साथ साथ दोनों दोनों चीज़ जो कलम में होती है दोनों को कुरान साथ कह रहा है, इन्नम अलखमरु वल मैसर, ये शराब और जुआ दोनों नजीस है। मालूम हुआ कि अगर नजासत ये गीली होती, नजासत वो हर वो चीज़ है जो अल्लाह से दूर करे, वो नजासत है जो अल्लाह को पसंद हो, जो वो तहारत है। ये हुई आगे खुलासा दर्ज का, अब तक उसके पसंद का जब आप काम करेंगे तो खुद ताहिर होते जाएंगे, उसे पसंद है। और उसमें एक बात, कभी ये ना सोचे कि छोटा अमल जो है वो अमल इसको न किया तो कोई हरज नहीं, अल्लाह को पता नहीं वही पसंद आ जाए तो आदमी नाजुक मिजाज से डरता है, नहीं माजल अल्लाह को मैं नाजुक मिजाज है जिसका एहतराम करता है। मैंने कहा कि भाई कहीं नमाज में आदमी को नहीं कि नमाज में सर पर टोपी जरूर लगा के गए, हमारी के नमाज में अमामा मुस्तहब है, टोपी मुस्तहब नहीं, टोपी एक रवाज है क्योंकि अमामा है तो नहीं हुआ टोपी रख, लेकिन जो आदाब बैतुल ये भी तहारत के जिम्मे आता है, जो आदाब वाशरूम जाने के हैं, लैट्रिन जाने के जो आदाब हैं, आदाब यानी सलीका और सुन्नत और मुस्तहब सवाब, उसमें ये जरूर है कि जब आदमी जाए तो सर छुपा के जाए, नहीं टोपी लगाना जिसे कहते हैं या रुमाल रख लेना या सर को ढांक लेना बाथरूम में जाते वक्त ताकीद है बाकायदा मुस्तहब सुन्नत है, नमाज में नहीं है, नमाज में अमामा है, लेकिन कह रहे आदमी वाशरूम जाए सुन्नत है वाजिब, नहीं वाजिब कुछ नहीं, कोई चीज वाजिब नहीं उसमें, इसकी वजह क्या? अब उसकी वजह टोपी ना हो तो यहाँ तो बहुत आसानी है, यहाँ तो इतने टॉवल रखे रहते हैं देखा ना छोटे छोटे, कोई तौलिया ही सर पर आम तो आपने किसी घर मेहमान आते जाते हैं अंदर चले गए तो तौलिया लेकर सर पर डाल लेते हैं, टॉवल जो होती है ना छोटी छोटी सर पर डाल लिया सर ढक गया, उससे मुमकिन है इसमें ये वजह रही हो। एक वजह ये भी समझ में आती है कि जब आदमी वहाँ, इसलिए कि इंसान पूरा कुछ नहीं है अलावा ब्रेन, और जितने भी तहारत के अहकाम है वो ब्रेन को मेंटेन करते हैं इंसान, दिमाग को, तहारत के अहकाम ज्यादातर इंसान के दिमाग को मेंटेन करते हैं, जहन को, ताकि उसके ख्याल अच्छे हों, तो इसकी एक वजह भी कहीं किताबें तो नहीं पढ़ी है ना, हजारों हो सकती है। आदमी जब वाशरूम में जाता है तो वहां जब गंदगी के अफखारात उठते हैं, एटमोसफेयर में गंदगी होती है, तो उससे आदमी का जो सर है जो बाल है वो उसका महफूज रहे, अगर आदमी सर कवर करके जाएगा ये हो सकता है कि नहीं हो सकता? मुमकिन है कि हमने देखा आपके अस्पताल में भी देखा, तो जब हॉस्पिटल में लोग ऑपरेशन थिएटर में होते हैं तो सर ढाके रहते हैं ऑपरेशन, तो उसकी वजह क्या है कि अल्लाह बेहतर जानता है, मुमकिन उसकी वजह ये भी होगी दूसरे के जरासीम हमारे सर बंद लगे, हाथ में जाए तो एक वजह उसकी ये भी हो सकती है कि वाशरूम में आप जाए तो कहा गया कि उसमें सर आदमी ढांक के रखे, अंदर दाखिल हो
तो जब बाथरूम में जाए वॉशरूम के अंदर तो लेफ्ट हैंड अरे पहला लेफ्ट पहला बाया पैर लेफ्ट साइड बाया नहीं लेफ्ट साइड लेफ्ट पहले अंदर रखे और जब निकलने लगे तो राइट, क्योंकि वो गंदगी जगह पे जा रहा है ना, नजासत की जगह जा रहा है, लेफ्ट पहले रखे। जब निकल रहा है तो साफ होकर निकल रहा है तो राइट। मस्जिद में बिल्कुल इसका अपोजिट है। मस्जिद में आए तो जब अंदर दाखिल हो तो राइट पहले और जब निकलने लगे तो लेफ्ट पहले। जब निकलने लगे तो लेफ्ट पहले पैर पहले लेफ्ट निकाले, जूता राइट पहने, क्योंकि मस्जिद से निकल रहा है अच्छी जगह से। अब बाहर तो उससे अच्छी जगह नहीं है तो बाया पैर बाहर निकालेगा। फिर चप्पल पहन के एक नया काम शुरू कर रहा है, जूता पहन के कहीं जाने के लिए तो राइट पहनेगा। मतलब इसमें यह था बीच में आगे कितनी नजाकत है शरीयत में इन चीजों के लिए। जब आदमी बाथरूम में जाए तो लेफ्ट साइड के ऊपर जोर देके बैठे, क्योंकि उससे हार्ट का कोई सिस्टम अल्लाह का जानता है हकीम मतलब। तो मतलब ये है कि जब तक वो फिर वही बात तहारत के जिम्मे आ गई, जब आदमी उसका ख्याल रखेगा तो उसके दिमाग महफूज रहेगा, उसका जहन महफूज रहेगा। देखिए इसीलिए मर्द नहीं आया इतना, तो आज जब ख्याल इतना लोग रखते हैं, इतनी सफाई का ख्याल रखते हैं, शैम्पू और ये और वो, तब भी आमतौर से लोग गंजे ही होते जा रहे हैं। एक उम्र में आने के बाद सब बाल साफ हो जाते हैं, ये तो कई कभी मर्दों के साफ बोलेंगे, औरतों के साफ होने और मुसीबत हो जाएगी। अरे पहले ये ऐप था, पहले किसी के सर में बाहर एक ऐप था ना भाई, एक ऐप था। ऐप को क्या कहते हैं, नक्स, डिफेक्ट था। तो आदमी डरता था, उसको छुपाता था। अभी ताम हो गया है कि कोई ध्यान नहीं देता, तो था। तो उसी में वजू के लिए जब आदमी कहा गया कि वजू भी ना कर, कम से कम ना के पानी डाल दे, कुल्ली कर ले बात सोचाने के बाद। मतलब वजू सेवा पर पेश है, वजू तो उस पानी को कहते हैं जो वजू का गिरता है, वजू वापस पेश के साथ वजू का इस्तेमाल होता है। तो उसमें तो अब वजू जब आदमी करे तो फलोतल्ला तरीक़ा के देखे वजू बुला। हम इसलिए रुकते हैं ना कि हम भी जानते हैं कि फिलासफिकल अंदाज से बात बयान की जा सकती है, लेकिन फिलासफिकल अंदाज की भी ज़रूरत नहीं है। आम मसाइल मालूम होना जरूरी है। अल्लाह ने रखा क्यों वजू, तो उसके तो बैकग्राउंड वजू इसलिए रखा कि जब आदम ने आदम ने अल्लाह की नाफरमानी की तो गए, क्योंकि उन्होंने हाथ में गेहूँ उठाया था, इसलिए अल्लाह ने उसका हाथ धोना रखा है। अच्छा मतलब आदर का, तुम्हारी नस्ल पर मैं तहारत के लिए वजू रख दूंगा, क्योंकि तुमने हाथ में गेहूँ उठाया था इसलिए हाथ धोने को रखा। वो गेहूँ खाया ना आदम ने, क्योंकि उन्होंने गेहूँ को सूंघा पहले, इसमें खुशबू आ रही है कि नहीं, तो आइए तो इसलिए अल्लाह ने ना के पानी डाला रखा है, क्योंकि उन्होंने गेहूँ खाया था कुल्ली करना उसमें रखा और चेहरे को धोना। और चूंकि बाद में उसको सर पर हाथ रख के सोचा आदम, मैंने बड़ा गलत काम किया है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, इसलिए मसा अल्लाह ने रखा और चेहरे को धोना रखा उसकी। नहीं, चूंकि चेहरे आसारे शर्मिंदगी चेहरे पर आए कि ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, तो चेहरा धोना रखा। और चूंकि उसमें आदम सोचने लगे तो मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी सर पर हाथ रख के, इसलिए सर का मसा रखा। और चूंकि पैरों से चल के दरख्त की तरफ गए थे इसलिए पैरों का मसा रखा। कहा तुमने इतने इतने अवल अंजाम दिए मेरी नाफरमानी के दौरान, तो मैं तुम्हारी नस्ल पर अब उसको दूर करने के लिए वजू रखूंगा। ये एक वजह देखी, तो इतना लंबा बैकग्राउंड होता है, समझ रहे हैं, नस्लों पर असर कर जाता है। ये एक वजह है जो किताब में किताब इलल शराए, जिसमें शरीयती की हर बात की वजह लिखी गई है। ये तो अल्लाह का हुक्म है, हमको मानना है, लेकिन फिर भी उसका एहसान है कि उसने वजह बताती है। तो उसमें जिंदा और उससे फिर इंसान का फायदा, उससे उस कुदरत का एहसान है कि उसने फायदा भी रख दिया उसको। तो अब लेकिन इतनी बात को सुन्नत रखा है, मुंह धोना और नागे पानी डालना, यहाँ से यहाँ तक खा दूंगा। अब जब आदमी धोए तो किसी ने मुझे बयान करना, वजू बयान कर दूसरी बात रह जाती है कि अब वजू का पानी हाथ में लिया आपने, तो अब नीयत तो आदमी को है कि कुर्बत अल्लाह। कुर्बत अल्लाह का मतलब क्या होता है, ये वाजे हो गया। कुर्बत अल्लाह कोई चीज़ नहीं है ऐसे, एक तो अल्लाह की पसंद ने बयान की, दूसरा कोई आदमी शरीक ना हो वो बात कुर्बत अल्लाह है। कोई दूसरा मकसद निकाल दीजिए, कुर्बत कुर्बत अल्लाह हो जाएगी। लोग मुझे देखेंगे कि मैं वजू कर रहा हूँ, समझेंगे कि मैं, लोग मुझे समझेंगे बड़ा अच्छा वजू करता हूँ, बस दूसरे सबको निकाल दीजिए, खुद ब खुद
कोई पता नहीं ला हो जाएगी। किसी इंसान के लिए कोई काम सिर्फ खुदा के लिए काम करना चाहिए। ला हो देखिए कल मौजूद ना खुद ना तो आबादी पाया वजू करता हूँ, वजू करता हूँ मैं, वजू करता हूँ और बता तो नियत तो रहती है, नियत यह है कि अल्लाह को पसंद हो काफ़ी है, जबान से हमारी नियत नहीं तुम्हें डाला हो पहले बता रहे तब बताते ये हो गया ना। लंबान में जहाँ से आम तौर से बाल उगता है, जहाँ से आम तौर से उगता है ये देखिए उगा हुआ है फर्क है, जनरली जहाँ पर एक इंसान के एक मुतवस्सित इंसान के आम इंसान के जहाँ से बाल उगता है बस वो ये है, इन जहाँ पे से सीधा रहता है थोड़ा सा फील और वहां से लेकर और इसको ठुड्डी चिन जिसे कहते हैं इंग्लिश में चिन कहते हैं इसको, बस यहां तक ये हो गया लंबान में। लंबान चौड़ान में ये अंगूठा और ये उंगली जितनी भी आदमी की है, इसमें ये ख्याल है किसी की बड़ी छोटी हो जाए अब नॉर्मल की बात नहीं, नॉर्मल इंसान की बात हो रही है, इसके बीच में जितना हिस्सा आता है बस पानी डाला और ऊपर से नीचे की तरफ जरा सा पहुंचा दो ठीक है, लंबान भी हो गई चौड़ा ये वाजिब बता रहे हैं। उसके बाद हाथ बांधे हुए और जहां से यह हाथ मुड़ता है जरा ऊपर ले गई, यहां से डाले ऊपर जरा से ऊपर से डाल लिया पूरा यहां तक, ये आपका अंगूठी वगैरह पहले एक चीज माने नहीं होना चाहिए, एक बाल भी बाल वगैरह जो दाढ़ी है तो वजू करने में दाढ़ी में कोई अंदर पानी पहुंचाना जरूरी नहीं, बस ऊपर का हिस्सा ही कहा जाए कि मुंह धो लिया तो काफी ऊपर का बाल ठीक है। इस तरीके से अंगूठी वगैरह आ गए तो सुधर डिली कर दिया, यहाँ तक पूरा पानी आखिर तक पहुंचे, इसे नाखून जो औरतें बड़ा रखती हैं या जो मर्द भी आजकल बढ़ा लेते हैं उसका ख्याल रखें कि हाँ उसमें वजू अगर नाखून अगर बड़ा हो जाएगा और यहाँ की खाल अगर नाखून में दब गई तो वहां तक पानी नहीं पहुंचेगा, या तो वो पानी पहुंचाएं अलग से उसी वही वाला पानी, दूसरा पानी नहीं, जो जो वजू की नियत से पानी डाला है उसी पानी को यूं करने के बाद या तो उसको अंदर तक पहुंचाएं जितना पॉसिबल है या तो नाखून काटें, इसलिए कभी कभी ऐसा भी नाखून हर आदमी के नाखून के निकलने का तरीका अलग होता है, अगर ना देखिए आप देख रहे हैं ना नाखून मीडियम मेरा कटा हुआ है ये नाखून ये है, अब अगर ये बढ़ जाएगा तो ये ऊपर का थोड़ा सा हिस्सा भी आ जाएगा तो एक बाल के बराबर भी जगह भीगने से छूटनी नहीं चाहिए, जनरली बस जैसे काट लेते थोड़ा थोड़ा बहुत नहीं, लोग इतना इतना बढ़ा लेते हैं ना भाई इतना बढ़ा तो खाल अंदर चली जाती है पूरी और जब वजू ऐसे ऐसे करके जल्दी से चले अब जल्दी चले आए तो अंदर पानी नहीं पहुंचा, मर्द भी बढ़ा लेते हैं औरतें बढ़ा लेती हैं, नाखून बढ़ाना कोई बुरी चीज नहीं करा मैं इस्लाम में कोई चीज बहुत लास्ट मुझे मना की चीज उससे मैं मना करता हूँ, मना नहीं करता हत्या इमकान जितनी चीज दुनिया में आदमी करता है सब कहता हूँ उसे आप कैसे कर सकते हैं छोड़ने की जरूरत नहीं है, अगर आप पानी पहुंचा सकते हैं आप बड़ा नाखून रखें इस्लाम का क्या जाता है या मेरा क्या जाता है कोई हराम तो नहीं है ना, रखें तो पांचों उंगली के नाखून बढ़ा लें, हमारे घर एक आदमी टीवी पर आता था इतना बड़ा उसका नाखून इतना मतलब उठाता था 5 kg का नाखून था उसका, देखा था क्या आपने क्या अच्छा जितनी बात ये अलग टॉपिक है मुझसे मना नहीं करते, तो अब इसी तरीके से दाहिने का इस तरीके से बाएं का मालूम बात के बता देते हैं वो नाखून, नाखून में कई बात आती है, नाखून में आ जाती है वो क्या कहते हैं नेल पॉलिश जो लगाते हैं नाखून पर, लगाएं भी हमसे क्या दुर्बा अच्छा है बेहतर है लगाएं सवाब है लगाना उसको, अगर औरत शौहर के लिए लगाएगी तो उसको सवाब मिलेगा जीनत करे क्या है, इसे मैंने कहा मेरे जुमला याद रखें आप हम कोई चीज़ इस्लाम में ने नहीं मना की तो ज़बरदस्ती उसको मना नहीं करते कि नफरत पैदा हो जाए उससे ना औरत को ना मर्द, जब मैं नाखून वाली बात की बढ़ाए बढ़ाने में क्या रखता है कोई हराम है, आप वजू सही कर रहे हैं खत्म बात, अगर वजू में रुकावट बनेगा तो वो तो हराम होगा वो एक अलग मसला हो जाएगा है ना, बढ़ाया हमारा क्या ना हमारा जाता ना अल्लाह का ना इस्लाम का, पढ़ाई को पढ़ाई हाथ का पैर का सब बढ़ा पानी पहुंचाना आपकी जिम्मेदारी समझिए, इसी तरीके से वो जो लगाते हैं क्या कहते हैं नेल पॉलिश, अब मेहंदी का तो खैर हुक्म अलग है, मेहंदी जो है वो पानी जाने में रुकावट नहीं बनती, मेहंदी जो होती है उसको लगाने को इसलिए वो खाल तक पानी जाने में रुकावट नहीं बनती, लेकिन नेल पॉलिश जो होती है वो अलग से एक पेंटिंग होती है बाकायदा चिकना होता है हाँ नहीं पानी नीचे तक पहुंचता ही नहीं इतनी मोटी पेंटिंग हो जाती है कि वो बाकायदा पेंट ऐसा होता है कि अब उस पे नीचे तक पानी नाखून तक
नहीं पहुंचता, तो सही बात है ना। तो अब आप लगा हम किसी भाई क्यों मना कर, लोग बच्चों को मना करते थे पहले जमाने में, मना इसलिए करते थे कि वजू वगैरह मुश्किल होगी, बच्ची की आदत बुरी पड़ जाएगी, हम नहीं मना करते थे। जिसको लगाना लगाए, फिर भाई सवाब है, अगर औरत शौहर के लिए लगाएगी तो सवाब, नीली पीली काली अब तो न जाने किस किस रंग की है, लगाए कोई मना नहीं, उसके अंदर क्या रखा भाई। सुबह के वक्त लगा लिया उसने नमाज पढ़ने के बाद और 5 बजे वही बात, जब जब नजिस रहना अल्लाह ने मना नहीं किया है तो पाक रहने उनको मना करेगा। अब नमाज के लिए वजू करना होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको रिमूवर से छोड़ा चाहे जिस चीज से छोड़ा है उसके लिए लगा ली, फिर नमाज सीखा जब वजू करना है उसको छोड़ा ले वजू कर ले फिर लगा ली, है ना, मना नहीं करता। तो फिर एक एक बात में 100 बात आ जाती है हमारे साथ मुश्किल, ये वही बात होगी जितनी साइंस तरक्की करेगी मजहब को और मदद मिलेगी। भाई जब रिमूवर नहीं था तो कितनी प्रॉब्लम थी, लगा लिया तो ब्लेड से लोग छुड़ाते थे अक्सर, शादी में चले गया उसको छुरी से छुड़ाते थे और चाकू से छुड़ाते थे, न जाने क्या क्या उसके मिट्टी का तेल और फला तेल छुड़ा रहे बैठ के बेचारे नमाज वजे वाले अगर लगा लिया। अब तो रिमूवर ऐसा निकल आया कि आपने लगाया सुबह को गए अपना 10 बजे और आए अपना 2 बजे नमाज पढ़ने के लिए, रिमूवर से हल्के से लगाया सब छूट गया वजू कर लिया आराम। तो उस चीज को बाईस लोगों को नफरत हो जाएगी दिन से, उसको जहमत की बात नहीं बनाना चाहिए, बल्कि मैंने कहा उसमें तो एक सवाब का पहलू भी, अगर औरत अपने शौहर के लिए लगा ले तो उसको और सवाब मिलेगा, इसलिए कि शौहर के लिए जिन्नत करना सवाब है और ताकीद है बल्कि, इसलिए तो ये सब हटा के तो बस तो वही मैंने कहा लफ्ज यूं करके पूरे के पूरा हिस्सा पानी हर जगह पहुंचाना चाहिए, यहां से लेकर कोने से और दूसरा पानी सुनना थे वो मर्द से गाले औरत को सुनना, उनके से दोनों औरत मर्द दोनों को वजू एक है। अब भाई 5 चीजें वाजिब है ना, नियत, चेहरा धोना, दोनों हाथ धोना और सर का मसा, मसा के माने होते हैं फेर देने के, ये हो गया मसा, इसको कहते हैं ईसा मसीह इसीलिए कहते हैं ना, गलत को हाथ फेर देते थे जनाजे से, आपको मसा अगर करना है तो। अब मसा जो होता है वो इसे कहते हैं मकदमे रास या मुकदमे रास जो कह लीजिए, सर का ऊपरी हिस्सा, सर आपका 4 हिस्सों में है, इधर भी बोर्ड आप लगा ही लेंगे बोर्ड से आसानी हो जाएगी, ये भी आप समझ रहे हैं ना आप लोग, सर हिस्सा, सर के कितने कितने पार्ट्स हैं सर के, 4 है ना, 1, 2, 3 और 4 बोलिए कोई हैरान नहीं, 4 ये हिस्सा, तो 1, 2, 3 को छोड़ दीजिए औरत मत सबके लिए, तो चौथा हिस्सा सीधा है ये, इसके बालों पर होता है खालों पर नहीं, खाल और बाल दोनों पर हो सकता है, यानी ये खाल अगर है अंदर यहां कर लीजिए आप, ये भी 3 से बेहतर, ये बेहतर होना 1 भी काफी है, वाजिब सुन्नत को हमेशा अलग अलग याद रखता है कि प्रॉब्लम ना पैदा हो, 1 भी काफी है, ये 3 हिस्सा, तो यहां की खाल पर भी और यहां के बाल पर भी हो सकता है, जैसे मेरा बाल छोटा अगर है, अगर बहुत बड़े बाल है तब तो खाल पर होगा, ऐसे इतने इतने बड़े बाल यहां तो बयान करना जरूरी है ना, पहले हम पढ़ते थे जब बचपन तो अक्सर मसलों को ये सोचते हैं इसकी जरूरत कब पड़ेगी, क्या जरूरत है बयान का, अब जरूरत पड़ रही है, हम देखा लगते थे बड़े बाल लगते हैं, हमने कर रखिए शरीर ने नहीं मना किया, फिर हम कहते हैं हम किसी चीज की मुखालिफत नहीं करते हैं, तंग पर रखिए मसा सही करिए, रखे बाल क्या है, अगर रखते तो हम क्यों हंसे उसको, भाई किसी लड़के को पसंद है किसी आदमी को पसंद है, इतना नहीं इतना बाल रखे हमारा क्या जाता है उसमें, भाई जो खूबसूरत लगता है जिसको समझता है, लेकिन मसा सही करे, आप मजा सही करिए, बाल कैसे रखते हैं नहीं मना करते है। हाँ तो बेचारी तरसती है पढ़ने के लिए शैम्पू निकल आए तो अब ये बाल, इस बाल पर अगर छोटा बाल है आपका बाल है आप लोग इस बाल पे कर सकते हैं, जनरली जो बाल छोटा रखते हैं या मीडियम रखते हैं वो इस बाल पर कर सकते हैं, वजू किया यूं कर लिया इससे मिला मैंने। अब उसमें जो लोग बीच से मांग निकालते हैं वो तो कर सकते हैं, जो लोग जरा सा यहां से मांग निकालते हैं, मैंने यहां से निकाल रखी इसीलिए, तो अब जो बाल मेरा यहां पर जितना भी है वो बाल वही बाल है कि जो इस पर निकला है, जिसकी ग्रोथ इस पर है, लेकिन अगर जैसे आप यूं करके बाल रखेंगे, हमारे के एक जमाने में सईद किरमानी क्रिकेट प्लेयर बाल रखा था, तो यहां से लेके पूरा बाल का उड़ गया था यूं करके, तो अब चूंकि वो इधर के बाल इधर आ गए, जो आदमी यूं कंघी कर रहा है या यहां से यूं कंघी कर रहा है बड़े बाल करके वो नहीं कर सकता, इसलिए उसके इधर के बाल इधर है, अब वो जो मसा करेगा तो इस बाल पर नहीं हो रहा है बल्कि
साइड के बाल पे हो रहा है या किसी का बाल आगे है। हाँ आप दो लोग बिल्कुल पीछे को कभी कर नहीं हो, ऐसे कर ले जैसे आपकी है, देख ले आप ठीक है उनको नहीं, इसलिए उनका जितना बाल है वो अपनी जगह पर है, यही का बाल पीछे गया वो यूं कर सकते। और अगर बहुत बड़ा बाल है तो फिर खाल पर करे हटा कर, इतने इतने है ना तो फिर उसको यूं करके करना पड़ेगा, तो फिर बाल तभी चलेगा, थोड़ा बहुत बाल यूं करना पड़ेगा। हाँ कुछ लेकिन वो कवर आ जाती है, चिकनाहट अगर है देखिए, अगर तेल लगा लिया है तेल में वही बात है, नेल पॉलिश वाली, नेल पॉलिश वाली बात जो है वही तेल में आती है, लेकिन वो जड़ को नहीं होता, उसका जो जड़ है उसके ऊपर नहीं आता, उससे ऊपर आता है। हाँ उसमें ये आसानी है, स्प्रे कर लिया आपने ऊपर तो कोई बात नहीं, अगर आपको यकीन है कि वो जड़ में नहीं पहुंचा ऊपर ऊपर है तो बहुत अच्छी बात है। तेल के लिए हम कह रहे हैं तेल लगाना है तो बस वही है कि रात को लगाए तो सुबह नमाज से पहले नहा उस तेल को छुड़ाए, या अगर सुबह लगा ले 10 बजे लगाए तो जोर से मतलब उसको हटाना जरूर, क्योंकि स्प्रे में बहुत अच्छा है, तो बल्कि तेल भी ऐसा आता है जो लगा लें आप 1-2 घंटे के बाद वो सूख जाता है, अल्कोहल मिक्स होता है, मकसद ये है कि बाल पर आपको मसा करना है, वो आपकी जिम्मेदारी आ जाती है, इतना आप समझे शरीयत ने कहा बाल पर या यहाँ की खाल पे करना, दोनों में से एक चीज को आप खाली रखते हो, जो इस पर ऊपर मार दिया बाल के वो जड़ में पहुंचते ही नहीं होते, उसमें कोई मादा भी नहीं होता, सैयाद कोई मैटर भी नहीं होता कि अंदर तक रिसेगा, जो आपने मार लिया बहुत अच्छी चीज़ें बल्कि वही हमने फिर वही बात आई, जितना साइंस वो होगी उतना आपको आसानी होगी, इतना साइंस तरक्की ऊपर मार लिया और जब मसा मसे के वक्त आया जरा हटा के यूँ कर लिया, या अगर ये यकीन है कि अब वो आधा आधा निकल गया है सूख गया आधा, ये तो बाल पर चल गया सर कम सा होता है, 3 सीधे और 1 सीधे। और इसी तरीके से पैर का, पहले दाहिना फिर बायां या दोनों साथ, मतलब दाहिना पैर करने से उसके उंगली का ये हिस्सा नहीं कटता, ऐसा जाना चाहिए आपके बारे में बताया था कि ये उंगली का हिस्सा ऐसा कटने का नहीं, वो मुस्तहब, हम वाजिब मुस्तहब अलग अलग, वाजिब तो सिर्फ ये है कि अगर आप यूं भी कर लें तो वाजिब हो गया, यानी पैर की पुष्ट पर, ये पैर की पुष्ट है पूरी, कुरान के आए थे ना कि वक्स क्या फक्सल वजूह हकम व आयदिय को मिलन, पूरे जो वजू के आए थे एलल काबैन, काबैन ये है इसको काबैन कहते हैं, बिल्कुल यूँ कर लीजिए तो ठीक है, यूँ कर लीजिए तो ठीक है, और उसके ऊपर फेर दीजिए आप तीन उंगली बेहतरीन है, शुरू कहाँ से मैं मास्टर सा टिप्स कहीं कहीं भी आप इतना बस एक आ जाएगा फिर दिया हो गया, टिप्स से कर सकते हैं यूँ के टिप्स। हाँ यूँ कर, लेकिन बेहतर ये है कि यूँ कर लें, यूँ लाया ये हाथ ऐसे रखें बेहतर है, तो बहुत ज़्यादा सवाल पूरा यूँ लेके आए तो उंगलियाँ पूरी आपकी आगे यूँ लाए तो अंगूठा यहाँ आ जाएगा काबैन के ऊपर दोनों और उंगली यहाँ आ जाएगी दोनों, देख रहे हैं आप बीच का पूरा यूँ भी रख सकते हैं जरा से उंगलियों से ये पूरा है। हाँ बेहतर हम तो कहते हैं यूँ कर ले आगे उंगलियों के नोक आ जाए सब सवाल, ये हो गया ये हो गया ऐसे समझती होगा आदत पड़ती तक ठीक है, जितना ज़्यादा भी कर ले उंगली से कोई नहीं, खाली हथेली से ना करें उंगली फेर दे कुत्ते के वाजिबात, वाजिबात में मुस्तहबात भी उसमें आगे वाजिब तो सिद्ध भी हो जाएगा, यहाँ से नोक से ले कर दिया तो ऐसे बाएं पैर कर लिए, ये वजू इतना तो कहते हैं कि हिलो नहीं, मतलब आप जहाँ जिस मकाम पे खड़े हुए हैं वो खड़े हुए अब आप जरा सा हट करके आपने जाकर कर सकते हाँ, अब इसमें वाजिब तरतीब मवालात है अमल में, यानी हिलने का मतलब ये कि आप हिल, इसलिए कहा गया कि आपको हाथ फेरना है ना, पैर नहीं आगे बढ़ाना है, यानी सर सर का मसा आप कर रहे हैं तो ये नहीं कि आप उंगली रखी और ये कर लिया तो हाथ मसा नहीं हुआ, फिर यूं भी तो हो सकता है कि उंगली यहाँ रखी और सर यूं कर दिया, हाँ उंगली यूं रखी पैर यूं कर दिया, तो उंगली से मसा होना चाहिए,
हिलने का मतलब ये कि ऐसा न हिले कि ये ना कहा जाए कि आपने उंगली फेरी के दूसरा एंगल उसका चेंज हो गया। हिलने का मतलब ये है अपनी जगह से आप हिल सकते हैं, उसमें कोई हर्ज नहीं। उसमें बात आती कि ये चीज तो वाजिब है, उसके बाद तरतीब और मवालात, ये दो चीजें शर्त हैं। तरतीब का मतलब ये होता है कि वजू में क्या वाजिब है। अब वजू में कह दिया गया कि वजू में वाजिब है नियत, चेहरा धोना, दोनों हाथों का धोना कोहनी से लेके वहां तक, सर का मसा, पैर का मसा, ये वाजिब है। अब आपने कहा कि भाई इतनी चीज तो वाजिब है, जब चाहेंगे ये पांच चीजें वाजिब है, आपने ठीक है, आपने क्या किया कि हाथ धो लिया, मुंह धो लिया, पैर का मसा कर लिया, सर का मसा कर लिया, पूरा तो पूरा हो गया। इसलिए शरीयत चूंकि बारीक बारीक बातों को बयान करती है, आदमी से भाग नहीं सकता और हर तरीके से मतलब बाहर निकल। तो तरतीब का मतलब जिस तरतीब से बयान किया गया है, क्या कहते हैं कंटिन्यूएशन कहेंगे ना इसको, उसका जो प्रोसेस है, हाँ प्रोसेस जो उसका पूरा उसी तरीके से होना चाहिए। पहले नियत, हाँ जो जो जिसको नंबर वन दिया गया उसको नंबर वन करना, नियत, फिर चेहरा धोना, फिर उसके बाद दाहिना हाथ धोना, फिर बायां हाथ धोना, फिर मसा करना, फिर मसे एक मसा अलग है, दाहिने बाएं साथ अलग, जो जो बताया है शरीयत, और फिर सर का मसा, फिर पैर का मसा। कुल्ली करना नहीं, सुन्नत में आता है। अगर ये नहीं देखा होगा लोग अभी नल के नीचे हाथ फिराते से पानी डाल दे नल के नीचे से, इसलिए हाथ धोना है ना, नियत करके हाथ धोना है। ये तो नहीं कि आप बाएं हाथ से दाहिना हाथ धोने का, हाथ धोइए ठीक नीचे नल के नीचे से, बिल्कुल धो रहे। बाबा आए थे पूछे थे, बाबा ने कहा कि हौज में डाल के नियत करके निकाल लो वो भी, लेकिन हौज में डालने के बाद नियत करें। हाँ हौज में डालने के बाद पानी यहाँ से यहाँ आ रहा है, नहीं कहा डालते वक्त नियत करें, डालते वक्त नहीं नियत करेंगे, पानी ऊपर को जा रहा है, जब हाथ अंदर डाल लिया फिर उसके बाद नियत करी कि अब मैं जो हाथ निकाल रहा हूँ बाहर को वो वजू की नियत से निकाल रहा हूँ, उसे वही समझाएगा इस तरह से। नहीं नल में तो ऐसा नहीं है ना, नल में डालते हैं, लेकिन पानी यहाँ ना पड़ने पाए, ये ध्यान रहे कि खाली हाथ धोना नहीं है, यहाँ से फ्रॉम हियर टू हियर, फिर फ्रॉम यहाँ होगा टू यहाँ होगा, फिर यहाँ यूं ऐसा हाथ रखिए कि यहाँ से पानी पड़े, ये हो गया आपका वजू तरतीब। और एक मिनट हम मवालात बयान करते हैं, फिर पूछे मवालात, मवालात और तरतीब में जरा सा फर्क है लाइट। तरतीब का मतलब यह है कि तरतीब कहेगा आपने सर धो और चेहरा धो लिया, दाहिना हाथ धो लिया, बाएं हाथ धो लिया, तरतीब हो गई है शरीर ने यही तो कहा है। आपने चेहरा धोया 10 मिनट के बाद दाहिना हाथ धोया और उसके 10 मिनट के बाद बाएं हाथ धो लिया, तरतीब तो है ना, शरीयत ने जैसे कहा था वैसे तो आपने किया, मवालात नहीं। मवाल मतलब कि जैसे शरीयत ने जो कहा एक के बाद एक, ये कहा जाए देखने वाला ये कहे कि ये वजू में बिजी है, वजू में दूसरा काम बीच में नहीं कर रहा है या लंबा फासला नहीं दे रहा है, नियत क्या चेहरा वो बस इतना फासला हो सकता है कि देखने वाला, कुछ शरीयत में अहकाम देखने वाले पर होते हैं, देखने वाला क्या कहेगा। आप खाना खा रहे चाय पीने लगे सर चेहरा धोकर, मसे से पहले आप खाना खाने चले गए याद आए तो मसा कर रहे हैं, एक फौरन एकदम फौरन नहीं, मतलब आपने वजू कर लिया और पायतबा उतारने भूल गए, एक हाथ से उतारा दो मास, तो उससे मौला मुतासिर नहीं होते। चेहरा धो टेलीफोन में जहाँ 10 मिनट टेलीफोन करके फिर दो मिनट कह दिया आपने, हल में बाद में बात करिएगा वजू करें, कोई रश नहीं, बाद में वजू, अच्छा सब खैरियत है आपको उतनी देर में, अरे बस अहमियत हो वजू कर रहे हैं। हाँ मतलब इसलिए भी है कि पानी सूख ना जाए, लेकिन पानी सूखने के लिए उसने इसलिए नहीं इस्तेमाल किया कि वो उसके अहकाम इसलिए बंद, कभी गर्मी कहीं कहीं इतनी तेज होती है कि पानी फौरन सूख जाता है तो उसके अहकाम अलग है, कहीं कहीं गीला रहने का कर लीजिए तो इतना देर गीला रहता है ठंडक में कि मालूम है 10 मिनट तक भी चेहरा गीला रहेगा, इसलिए ये लफ्ज मैंने नहीं इस्तेमाल किया, बस देखने वाला ये कहे कि आप उस काम में मसरूफ हैं। आप पूछे मतलब ये तो है आप वजू कर रहे हैं, हाथ धोने गया मैंने ऐसे किया था कि पानी डालने जाओ यहाँ के नीचे, अब फिर मुझे इसे ऊपर करके मेरा हाथ गीला है तो फिर डाल सकते, हाँ उतनी देर में कह रहे हैं इसको ऊपर करके, हाँ उसके ऊपर से भी डाल सकते हैं, अगर जरा जरा सा है थोड़ा सा इधर है जल्दी से तो देखा कि नहीं कर सकते ऐसा, ये तो पानी धुल तो जाएगा ना, वाश तो उसके ऊपर सादी खा जाएगा ना, बहुत ज्यादा अगर पानी तो पानी की क्वांटिटी पे डिपेंड है, यूं करके डाला और उसको यूं मोड़ दिया वो तो आदमी खुद उतना कंट्रोल कर लेता है। एक बहुत दिलचस्प वाक्य मैं आपको बताया बीच में,
कभी कभी ऐसा आदमी, अभी हम बंगलोर में थे तो हमारे वाइफ का ऑपरेशन हुआ था ना, तो हॉस्पिटल में हमको रहना था, दोपहर शाम को हम जाते थे और औरतें लेडीज उसको शब जुमा था। मैंने कहा भाई तो इंडिया है ना, सब जो आदमी अल्लाह से रास्ते का तलब कर तो रास्ता निकल आता है, हमें कभी कभी खुद सोच के हंसी आती है ये सब आटे। तो अब वहाँ पे तो सब कम वक्त हिंदू क्रिश्चियन, बाथरूम जाओ तो वो सब नजीस, वो सब लोग दाखिल थे, तो कुछ छोड़ ही नहीं सकते जरा नजर। और शब जुमा अलग और मगरिब के वक्त आगे नमाज पढ़नी थी हमें, भाई नमाज अव्वल वक्त पढ़ लो बाद में और सब तो होता रहेगा। अब कहा मैंने भी वजू कर लिया, पीने का पानी रखा हुआ था एक बोतल वाला डिस्टिल वाटर जिसे कहते हैं, वो पानी हमने लिया, हमने कहा वजू हम कर ले। अच्छा कहीं करे तो छींट का डर, बहुत आराम से हमने कहा तरतीब क्या है, बहुत आराम। मैंने कहा कि पानी लिया और हाथ में डाला और यूं हो गया, ये लंबा कुर्ते पहने हुए था, हमने कहा जो पानी इतना गिरेगा अभी तो बदन फिगरा लेंगे उसको, मैंने यूं ले गए यूं डाल के बाद ही वजू कर लिया। उसके बाद फिर वो बोतल रखी, फिर थोड़ा सा जरा सा पानी इसमें लिया, कैसे यूं करके थोड़ा सा पानी लगा और वजू हो गया। तो हम कहते अक्सर जब हम पढ़ते थे पहले जब किताबें, तो ये सब उलमा ने हमको पढ़ाया जा रहा है, ये काम काहे को इतनी खुदा ना खास्ता मुसीबत थोड़ी है, फिर अगर आदमी सुन देगा एक वक्त की नमाज में क्या रखा है फिर पढ़ लेंगे, तब तो फिर तो गलत बात है, तो अजाब इलाही है ऐसे ऐसे इंसान के लिए। लेकिन अगर आदमी अहमियत सोचे तो उसके लिए ऐसे ऐसे मौके पढ़ते रहते हैं, नाजुक मौके, हर चीज खाने पीने में उठने में बैठने में आपके ऐसे मौके आते रहते हैं। मवालात शर्त है, गुस्ल में तरतीब जरूरी है, मवालात जरूरी नहीं है। गुस्ल में ये हो सकता है कि सर गर्दन आपने धोया, इतना असर धोया पानी चला गया, या बाद शाम को दोपहर दो घंटे के बाद राइट धो लिया और तीन घंटे के बाद फिर जब पानी आया या फिर प्रॉब्लम जो थी वो दूर हो गई या कुछ हो गया तो आप उसके बाद देर धो लें, दिन भर में तीनों हिस्सा अगर धोएं तो कोई हरज नहीं। इसीलिए मवाला कितना नाजुक मसला है, वजू में मवाला शर्त है, उसमें मवाला शर्त नहीं। अच्छा वजू के बाद पोछ सकते हैं? हाँ उसमें क्या पोछ सकते हैं,